जी दोस्तों, जैसा कि आज 23 फरवरी को आपका सीआरपीएफ एससीएम एएसआई का दोस्तों आपका फर्स्ट सेट का एग्जाम समाप्त हो गया। उनमें पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम 1.5 प्रश्न मिल गए, साथ में हिंदी के प्रश्न मिले, तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव दोस्तों आप लोग में से सभी लोग जानते होंगे, ये आपके सूर्य कुमार, इनका जो पूरा नाम है सूर्य कुमार अशोक यादव है, जिन्हें सूर्य कुमार यादव या स्काई के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय क्रिकेटर है जो कि एक दिवसीय T20 प्रारूप के लिए भारत के लिए खेलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक दिवसीय T20 हाल ही में इन्होंने आपका टेस्ट में भी डेब्यू कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका तीनों पारों पे इन्होंने डेब्यू कर लिया सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इनका जो जन्म है आपका शायद आपका यूपी में हुआ था, यूपी के गाजियाबाद में। ठीक है, तो आपका सूर्य कुमार यादव से संबंधित है, तो आपका क्रिकेटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू किया है हाल ही में। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों जातिगत जो जनगणना है वो शुरू करने वाला दोस्तों आपका बिहार है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार है जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें जातिगत जो जनगणना है आपका 2 चरण में किया जाएगा। इसके अलावा बिहार आपका तीसरा राज्य बन चुका है जो कि आपका जातिगत जनगणना करा रहा है। इसके अलावा जातिगत जनगणना की बात करें तो 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में जनता की जाति, उपजाति, धर्म, संप्रदाय के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका 7 जनवरी से आपका जातिगत जनगणना है जो कि आपका शुरू हो गया है, अभी प्रथम चरण आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, ये पूछा गया था कि 1299 से 1320 तक किसका शासन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, पूछा गया था 1299 से 1305 तक सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाला शासक कौन सा है, तो इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज तो सही से नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों आपको 1299 से 1320 तक बता दें तो आपका खिलजी वंश का शासन था। ठीक है, खिलजी वंश का शासन था, खिलजी वंश का जो स्थापना है जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका शासन के दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था 1299 ईस्वी में, तो आपको मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जिनको हत्या करके मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के शासक पर बैठा था, तो आपका राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, ये खिलजी वंश का जो स्थापना है गुलाम वंश के अंतिम शासक केमूर्स की हत्या करके जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे जिनका उसने सफलतापूर्वक सामना जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक आपका शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा है जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सानिया मिर्जा हाल ही में किस खेल से संन्यास ली है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय स्टार है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है, तो आपका कौन सा खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, वो आखिरी बार दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अगले महीने में खेलती हुई नजर है जो कि आपका आएगी। भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस संन्यास की घोषणा कर दी, वो आखिरी बार दुबई टेनिस चैंपियनशिप के अगले महीने में खेलती नजर आएगी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव और सानिया मिर्जा दोनों का प्रश्न आज से। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो विपत्ति का विलोम शब्द की बात करें दोस्तों, विपत्ति का जो विलोम शब्द आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका संपत्ति हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो विपत्ति का विलोम शब्द दोस्तों आपका होता है संपत्ति। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन लेकर पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय को अपनी शक्ति, अपने निर्णय और पुनर्विचार तथा सुधारने की शक्ति देता है वो किस अनुच्छेद के तहत देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 137 का आपका राइट आंसर होने वाला है। अनुच्छेद 137 आपका कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने, उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 137 में आपका वर्णित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था पहला राज्य जहाँ पर फॉर्मूला वन रेस होगा, तो दोस्तों आप पहला राज्य पूछा गया था या पूछा गया था हाल ही में फॉर्मूला वन रेस कहाँ पर आयोजित होगा, दोनों में आप देख लीजिएगा, हम दोनों को डिस्कस कर देते हैं। देश में जो पहली बार इंटरनेशनल फॉर्मूला वन रेस हुआ था करीब 9 साल पहले हुआ था, कहाँ पर हुआ था, 9 साल पहले नोएडा में हुआ था, तो आपका ऑप्शन में नोएडा था तो ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो अब हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फॉर्मूला ई रेस होने जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हैदराबाद, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे हैदराबाद ही ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हैदराबाद आपका
हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वन रेस होगा, फॉर्मूला वन ई रेस में हिस्सा लेने वाली कारें स्पीड फॉर्मूला वन के बराबर होगी लेकिन आवाज बहुत कम होगी। ठीक है, फॉर्मूला वन रेस दोस्तों आपका हुआ था देश में पहली बार, फॉर्मूला ई रेस आपसे शायद पूछा गया था। ठीक है, तो फॉर्मूला ई रेस दोस्तों आपका होगा हैदराबाद में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये पूछा गया था फॉर्मूला ई रेस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 117 का एलिमेंट बताना था आपका पीरियड टेबल में, 117 एलिमेंट किसका है, तो इसका राइट आंसर टेनिसिन हो जाएगा। टेनिसिन एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक होता है टी एस होता है और परमाणु संख्या आपका 117 है। ठीक है, ये आवर्त सारणी दूसरा सबसे भारी ज्ञात तत्व है, वह वर्ग तथा तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिसिन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कैफोन का फुल फॉर्म से पूछा गया था, तो कैफोन का जो फुल फॉर्म होगा आपका केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कैफोन अपने लाभार्थी तक पहुंचने से कुछ ही नौकरशाही कदम दूर है। पहली पिंडई विजयन सरकार की जो महत्वाकांक्षी प्रमुख परियोजना है 15 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था, जिसका जो उद्देश्य था राज्य में 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल की समस्या का समाधान करना था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पहली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका कौन से राज्य में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहले शुरुआत किया गया था, इस पहल को बड़ी सफलता तब मिली थी जब भारतीय ओलंपिक संघ IOA उस साल के अंत में इससे पहले जुड़ गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था। ठीक है, तो पहले का जो नाम आपका था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये दोस्तों आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा जा चुका था। ठीक है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले का नाम क्या था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। तो आप अभी पूछा गया था पहली बार कब हुआ था, तो आपका नई दिल्ली में आपका जो है जो कि हुआ था। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था दोस्तों आपका गांधी जी जब आपका 1915 में आपका जो भारत लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें 1915 में जब गांधी जी 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे तो इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। गांधी जी 1894 में अब दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो 24 साल के थे लेकिन जब भारत लौटे थे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। ठीक है, तो आपका 45 साल है जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो अलाउद्दीन खिलजी वाला था इसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ था दोस्तों आपका 1286 से 1287 दिया गया था। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड आपका दिया गया था 1266 से 1287 दिया गया था। ठीक है, कि 1287 का दिल्ली का शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बलबन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, वो आपका दिल्ली के मामलुक वंश का नवा सुल्तान था। बलबन एक इलवारी तुर्क था जो कि इल्तुतमिश के 40 तुर्कों से दास से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा मामलुक वंश की बात करें जो गुलाम वंश से आपका संबंधित वो आपका 1206 से 1290 था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसका जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, तो आपका ये पूछा गया था 1266 से 1287। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कौन है, गयासुद्दीन बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सुधार आप लोग एक बार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए शायद ये आपसे पूछा गया था दोस्तों, कि 1246 में दिल्ली का शासक कौन था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपसे शायद पूछा गया था स्टूडेंट क्या रहते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें 1266 में आपका दिल्ली का जो शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुर्क शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुर्क, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक था। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुर्क। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2023 में बजट घाटा 2022 से कितना था, तो राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान है आपका 2022-23 में 6.4%, जो कि बजट अनुमान के अनुरूप है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटे के 2022-23 में 4.1% की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 2.9% रहने की उम्मीद है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तिमिर का विलोम शब्द से पूछा गया था, तिमिर का जो विलोम शब्द दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिमिर का विलोम, तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया था आपका सबसे लंबी मालगाड़ी को पूछा गया था, तो सबसे लंबी जो मालगाड़ी है दोस्तों सुपर वास की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस नाम का ट्रेन की खास बात यह थी कि 6 इंजन और 295 डिब्बों के साथ 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ से कोरबा और नागपुर के
राजनंदगांव के बीच किया गया था। भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सुपर वास्की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, सुपर वास्की हो जाएगा। इसके तो इसके अलावा दोस्तों आपसे एक रेट से सवाल था RIT अभिलेखीय न्यायालय से। देखिए एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट कह रहे थे आपका कि आपका ये अभिलेखीय न्यायालय से भी प्रश्न देखने को मिला था। तो देखिएगा अभिलेखीय न्यायालय से अगर आपका प्रश्न होगा तो इसका राइट आंसर 129 हो जाएगा। अभिलेखीय न्यायालय 129 में सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय बनाया गया। अनुच्छेद 119 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के दंड के देने की शक्ति भी शामिल है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी शायद आपसे पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका सुखविंदर सिंह सिक्खू है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सुखविंदर सिंह सिक्खू अगर आपसे ये पूछा गया होगा तो, ठीक है। इसके अलावा SSGD के सभी सेटों का PDF ऑनलाइन फॉर्म लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ये वीडियो में ऊपर दिख गया होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका जो PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर व्हाट्सएप पर आपको लेना है तो अपना डेट और शिफ्ट कब आपका एग्जाम है दोनों आप मैसेज कीजिएगा। इसके बाद आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।